सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए अस्तित्व पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये चिंता व्यक्त की जाती है कहीं ऐसा ना हो कि मानव पृथ्वी पे खत्म हो जाए, या पृथ्वी में तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि अस्तित्व संकट में आ गया है मानव का। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरी बात, अस्तित्व का मतलब शरीर नहीं होता, अस्तित्व का मतलब मैं नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। अस्तित्व बहुत विस्तार होता है, बहुत विस्तारित होता है, वो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। तुम अस्तित्व के एक छोटे से कण हो सकते हो, लेकिन तुम अस्तित्व नहीं हो, ये याद रखना। तुम अस्तित्व नहीं हो, तुम्हारे में अस्तित्व का कण हो सकता है जो बोल रहा है, जो परम चेतन बैठा है, लेकिन याद रखो तुम अस्तित्व नहीं हो। ये लोग अस्तित्व नहीं होते, ये जानवर अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व इन सबसे परे है, वो इसको छूता भी नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो तुम्हारे शरीर को छूता भी नहीं है अस्तित्व। अस्तित्व की तुम परिकल्पना नहीं कर सकते। तुम कितना बड़ा बम फोड़ दो पृथ्वी लोक में, कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं खत्म होने वाला है। अस्तित्व जैसा है ऐसा ही है, क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ है। वो बम भी अस्तित्व में ही फटता है, वो बम अस्तित्व ही फोड़ता है। कमाल की बात यही है। मैं इसीलिए बम की बात करता हूँ क्योंकि परमाणु बम जैसी चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, अस्तित्व शरीर नहीं होता है, शरीर में दिखने वाला अस्तित्व नहीं है, समझ रहे हो। शरीर तुम किसी को देख रहे हो वो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व महाविस्तारित है। अस्तित्व में सब कुछ नाच रहा है, ब्रह्मांड नाच रहा है, ग्रह नाच रहे हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, कितनी अनंत गैलेक्सियां नाच रही हैं। तो वो कैसे तुम्हारे होने से नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे ना होने से नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए अस्तित्व की तुम परिकल्पना भी नहीं कर सकते अस्तित्व क्या होता है, क्योंकि तुमने अस्तित्व को अनुभव नहीं किया। जो मन बुद्धि से परे है वो तुम उसको तुम कैसे अपने में अनुभव कर सकते हो। इस छोटे से शरीर और इस छोटे से जीवन में क्या उस तुम उस अनंतता का अनुभव ले लोगे। एग्जिस्टेंस या अस्तित्व सदैव से यहाँ था, है और रहेगा। वो चिरस्थाई अस्तित्व है, उसमें सब कुछ होता है, वो अनोखा तत्व है, समझ रहे हो। अनोखा, इट्स एन स्पेशल एलिमेंट जिससे बाकी सब कुछ पैदा होते हैं, अरबों खरबों केमिकल्स पैदा होते हैं, उनके नाम भी तुमने नहीं सुने होंगे, ऐसे केमिकल्स बना देता है, ठीक है। तो अस्तित्व पर कभी कोई संकट नहीं आता। ये मूर्खों की भाषा है कि अस्तित्व पर संकट आ गया। अरे अस्तित्व पर संकट कहाँ से आ जाएगा, अस्तित्व तो सभी कुछ है, संकट भी अस्तित्व ही है, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रयास करो, तुम वो मार्ग देख लो जिससे तुम अस्तित्व तक पहुँच जाओ। हाँ, एक रास्ता है अस्तित्व तक पहुंचने का, उस बारीक रास्ते के अंदर चले जाना तो अस्तित्व तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, और फिर तुम वैसे ही फैल जाओगे जैसे कि ईस्ट, जो एक फंगस होता है, ईस्ट जो ब्रेड में डालते हैं, वो वैसे फैल जाती है जब उसे एक मैदे में डालते हो तो, ठीक है, और वो हर जगह बुलबुले पैदा करके ब्रेड बनती है, कुछ वैसे ही हो जाओगे तुम। मेरी बात याद रखना, अस्तित्व बहुत बड़ा होता है, और मैं तुमसे सीधे कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात झूठी लगे या नहीं सच्ची लगे वो तुम जानो। मैंने अस्तित्व का अनुभव किया है, क्योंकि मेरे चक्र तो अस्तित्व ही खोल रहा है। इसलिए अस्तित्व फिलहाल मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि वो थोड़ा सा काला ही है। धन्यवाद।